तो एक बार फिर से अपने खिलाड़ी कुमार बैक आ चुके हैं उनकी नई मूवी लेकर। तो आज अक्षय कुमार की न्यू मूवी सरफिरा का ट्रेलर रिलीज हुआ। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मूवी का ट्रेलर रिलीज होता था, मूवी थिएटर में भी लग जाती थी और मूवी देखने के बाद हम लोगों को पता चलता था कि ये एक रीमेक मूवी है। लेकिन 2-3 सालों से बस मूवी के अनाउंसमेंट होने की देरी है, जिसके बाद तुम्हें मूवी की सारी डिटेल्स पता चल जाएगी कि ये एक रीमेक मूवी है या नहीं, मूवी का बजट कितना है। तो अक्षय कुमार की इस नई मूवी का जो ट्रेलर आया है, तो एक साउथ इंडियन मूवी सुरा राय पुत्रो की रीमेक है, जिसने की ऑलरेडी एक नेशनल अवार्ड जीत चुकी है। तो आज हम इस ट्रेलर के ही बारे में बात करने वाले हैं कि ट्रेलर कैसा है और क्या तुम्हें इस मूवी को देखना चाहिए। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इन चीजों के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करेगा ना? ओ भाई। बस चलो। तो साल 2022 से अक्षय कुमार का करियर बॉलीवुड में कुछ अच्छा नहीं है और इन 2 सालों में अक्षय कुमार ने करीब 10 से 11 मूवीज रिलीज की, जिनमें से आधी तो रीमेक ही थी और उनमें से कुछ ऐसी मूवीज भी थी जो कि हिट होना डिजर्व करती थी, लेकिन अक्षय कुमार के हीरोगिरी के चक्कर में वो मूवीज भी पिट गई। और हम लोगों को अक्षय कुमार से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी बड़े मियां छोटे मियां को लेकर, जिसका हल तुम्हें और हम सभी को पता ही है। तो बैक टू बैक इतने सारे फ्लॉप देने के बाद इस टाइम पे एक रीमेक मूवी को रिलीज करना अक्षय कुमार के लिए शायद भारी पड़ सकता है। मूवी रिलीज होने वाली है जुलाई मंथ को, ऊपर से 27 जून को कल्कि भी आ रहा है। तो कल्कि के सामने एक रीमेक मूवी को रिलीज करना अक्षय कुमार के लिए थोड़ा बहुत तो चैलेंजिंग ही होने वाला है। बाकी ट्रेलर ठीक ठाक है, अक्षय कुमार की एक्टिंग भी बढ़िया है, तो ट्रेलर के बारे में ज्यादा कुछ बोलने के है नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ओरिजिनल मूवी देख चुका हूँ। तो ओरिजिनल और रीमेक में ज्यादा डिफरेंट नजर नहीं आया मेरे को। और ट्रेलर की सबसे बढ़िया चीज, ट्रेलर में हमें सूर्या का भी कैमियो देखने को मिला है। सो मार्केटिंग के लिए तो ये चीज बढ़िया है कि एक बॉलीवुड मूवी में साउथ इंडियन एक्टर का कैमियो करवाना, और शायद सूर्या की वजह से मूवी 2-4 करोड़ ज्यादा कलेक्शन कर लेगी। तो तुम्हें क्या लगता है अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी कितना कलेक्शन कर पाएगी? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू। नमस्कार।